अभी हम लेके जा रहे हैं बॉक्सटर अपने घर पे। तो भाई अगर ये चली गई मेरे गांव में मेरे घर तक, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मेरे वाली सुपरकार भी जा सकती है या नहीं। पोर्शे बॉक्सटर लेके हम आ गए अपने घर पे। हाँ, एक कमेंट आई थी, आपके पापा की फेवरेट कार कौन सी है, बताओ कौन सी है, घुमा के लाऊं, घुमा के लाऊं। तो चलो ये बताओ पहले कौन जा रहा है मेरे साथ। पापा बैठ गए बॉक्सटर के अंदर। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। स्वागत आप सबका आज के ब्लॉग में। अभी गौरव भाई के पास आए थे और गाड़ी लेने आए थे। गौरव भाई, ये दी है ना तुमने? यस। ये तो एक कार दे दी, कह रही इसे चलाओ। यही चलने वाली है, इसमें ही बैठना होता है और ज़ूम। इससे ये चलती है, चाबी भी इसकी गाड़ी वैसे है। एक रील वायरल हुई थी, सबको बता दूं, इसको यहाँ रखा जाता था यहाँ। अच्छा, एंड देन सीधा बैक टू। अच्छा, कैमरा पीछे सीधा गाड़ी। हाँ, के अंदर सीधा गाड़ी बड़ी हो गई। लोग पहले कमेंट करते हैं, वो BMW कहाँ गई, आपने 2 दिन के लिए ली थी क्या, वो बेच दी क्या मैंने? देखो जी, जो भाई ने वो ली थी M कॉम्पिटिशन, जो ये कंसिडर कर रहा था, वो बिक गई, क्योंकि अभी फैसला करने में थोड़ा सा टाइम है। गाड़ी बुक हो चुकी है, पर्दा हटेगा तभी दिखेगी। हाँ, अभी तो आप बताओ, आप क्या बता? कुछ तो डाउट हुआ होगा। अच्छा हाँ, मुझे इनके व्यूअर्स के कॉल आने शुरू हो चुके हैं, तुम्हारी कसम सच में, कौन सी ली है कौन सी ली है। तो मुझे फोन मत करो, मुझे भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा तो गूगल से आ ले लेते हैं। इनका तो फ्यूजन कार का मिल जाता है ना इस चक्कर में मेरा। तो आज हम भाई येलो वाली बॉक्सटर पोर्शे की लेके जा रहे हैं। और ये भी बोल दो सारे अपने व्यूअर्स को। अच्छा भाई, बोल रहे हैं इनको कॉल मत किया करो परेशान करने के लिए। जब पर्दा हटेगा अपने आप दिख जाएगी कि कौन सी तुम्हारे चहीते ने गाड़ी ली है। उससे पहले हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये दोनों मिलके इनकी मिली भगत है। मिली भगत से ही तो फिर मजा आता है। येलो चाबी, येलो बॉक्सटर, येलो फरारी। येलो फरारी, अरे फरारी लाओ आप मेरे लिए, काम करो भाई साहब। अच्छा मेरे को पता है, शिब्बू ने 3-4 करोड़ का बिल फाड़ दिया। मेरे को फरारी में क्या पसंद है? क्या? फरारी रोमा। फरारी रोमा, ओके। लाओगे मेरे लिए फरारी? फरारी रोमा मैंने प्यार जरूर लाएंगे। मैंने इसलिए बोला ना येलो फरारी, वो जो लास्ट कार कौन सी लेके गए थे अभी, BMW। हाँ, उसमें ये ब्लॉग बना रहा था तो कह रहा ये अपनी BMW बोरी XUV और ये री फरारी। मेरे को ऐसा कर दिया, बोला था मैंने देखा कि ये री फरारी। इतने कमेंट आ रहे हैं फरारी फरारी, सिब्बू फरारी, सिब्बू फरारी, सरनेम चेंज कर दिया पूरा। अब लाते हैं भाई, मेरे लिए रोमा लाना ढूंढ के, पक्का वाला वादा। कितने की आती है वैसे रोमा? ये रेट जब खुलेगा ये मेरे ख्याल से 3.5 और 4 CR के बीच में है। 3.5-4 करोड़। हाँ, वो भी पुराना मॉडल जब हम ढूंढेंगे, थोड़ा पुराना, नया तो मिलने से ही रहा। और वो भी देखनी पड़ेगी कि इंडिया में है भी रोमा, नहीं तो हम हवा में तीर चला रहे हैं, चेक करना पड़ेगा। लेकिन बहुत मस्त है वो। ये है भाई बॉक्सटर पोर्शे। चल सिब्बू, आज हम बॉक्सटर लेके चलेंगे घर पे, विद येलो चाबी, विद येलो कार, एंड तेरे कपड़े भी येलो येलो ही हैं, विद येलो सिब्बू। कट करना, कट नहीं, कुछ बोल लो, बोल लो, समथिंग टू टॉक, बोलो बोलो, नो पर्सनल टॉक। अभी हम लेके जा रहे हैं बॉक्सटर अपने घर पे। अब नहीं दूंगा मैं इसे, जब मन भर जाएगा जब लेके जाऊंगा वापिस। अभी आराम से चलाओगे, देखोगे कि 2 लीटर इंजन में कितनी पावर है, 3 लीटर इंजन में कितनी पावर है और 5 लीटर इंजन में कितनी पावर है। फैसला फिर और वो होता है, क्या कह सकता हूँ उसको मैं। वैसे पता है ऑडियंस बोलती है क्यों हमें गुमराह कर रहे हो तुम, गाड़ी बुक करके कुछ कुछ दिखाते रहते हो, कभी ये कभी कोई कभी कोई, सब पता है। हाँ, लेकिन भाई क्या करें, तुम लोग उस पे 1 मिलियन कर ही नहीं रहे हो, फटाफट कर दो जल्दी से भाई, मेरे ब्लॉग चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है, जल्दी से कर दो। होने वाले तो है ही, लेकिन जितना जल्दी होंगे उतना जल्दी आप लोगों को सब पता लग जाएगा। सही कह रहे हो, मेन चेक जो करना है हमें ये करना है कि ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये मेरे गांव में पहुंच जाएगा ना, ये गाड़ी के साथ मैं इस गाड़ी को लेके अपने घर पहुंच जाऊंगा ना, जो वाली गाड़ी मैंने बुक कराई है उसका ग्राउंड क्लियरेंस और इसका सेम है। आपकी नीची है ये ऊपर, मेरी और नीची है। यस। अच्छा, ये ऊंची है। आया, क्योंकि उसका इंजन हैवी है तो वो इस ये ऊंची है थोड़ी और वो नीची। तो भाई अगर ये चली गई मेरे गांव में मेरे घर तक, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मेरे वाली सुपरकार भी जा सकती है या नहीं। लेट्स गो सिब्बू। ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਪਹਿਲੋ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਜਾਂਦਾ 10 ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਮਾਰਦੇ ਖੇਡ ਮਕਾਈਏ ਜੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰ। Call me Mr. Machiavelli. I make them disappear just like Harry Houdini. Even need my lyrically so insane now. So I'm majestic, having the agenda. तो भाई ये चाबी लग गई है, ये इसको करेंगे हम स्टार्ट। गाड़ी हो गई स्टार्ट। ये लो भाई, आज हम दोनों है ना तो हम मिलके एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं कि एक बार मैंने बना ली एक बार सिब्बू ने, क्योंकि आज हम दोनों ही आए, विनय भी नहीं है साथ में, बट अभी आप देख रहे हो हम दोनों साथ में एक ही स्क्रीन पे, क्योंकि फ्रंट कैमरा से बना रहे हैं। तो ये है भाई येलो बॉक्सटर पोर्शे, अभी निकल रहे हम यहाँ से।
सीट बेल्ट लगा लेंगे। ये हमारी आगे सीट बेल्ट कितनी येलो है, वो बॉडी कलर की तरह येलो है। बाय गौरव भाई, बाय बाय बाय, सी यू, मिलते हैं सिबू के ब्लॉग में। मैं इसके ब्लॉग में आ ही नहीं रहा। चलो जी, गाड़ी होगी ड्राइव पे, लेट्स गो। और हम निकल गए हैं भाई गाड़ी लेके, पोर्शे बॉक्सटर। सो गाइस, पोर्शे बॉक्सटर लेके वी आर बैक। मम्मी, रचना है, नहीं, प्लीज। अरे सिब्बू, ये क्या बात हुई यार, हमेशा तो ऐसे ही करती यार। सिब्बू के रिएक्शन है देखने लायक। मैं तो भाई बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो आता था और मुझे तो मजा आता गाइस। मुझे डर लग रहा है रचित। अरे डर मत, मैं हूँ तो तेरे साथ में। तेज मत भगाओ ना। सिब्बू तेज थोड़ी थी, सो ही गई थी बस। सिब्बू एक बात बता, तू इसमें डर रही है? फिर वही वाली बात है, जब अपनी सुपर कार होगी उसमें कैसे तू एडजस्ट करेगी? वो तो इससे भी बहुत तेज भागती है। उसका इंजन है ना जो, वो इससे भी हैवी है, बॉक्सटर से भी हैवी। तू टियागो में ही घूम, संतरा में घूम तू। यार क्या फायदा यार सुपर कार लेने का, क्योंकि दिल्ली में देख रहे हो इतनी भसड़ है यार। गुड़गांव में तो फिर भी सही मजा आ रहा था, दिल्ली में जैसे ही घुसे आए हाय इतनी गंदी भसड़, इतना गंदा जाम, क्या करती है दिल्ली की सरकार। तो भाई अभी तेल डलवाने आए हैं। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे पैसा। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे पैसा ही पैसा। पैसा पैसा पैसा, किसी के बाप को लेकर न खा रहे, जा रहे जो अपनी मर्जी से है, जा रहे उड़ा रहे तो अपनी मर्जी से उड़ा रहे, कमा रहे तो अपने शौक हुए कमा रहे। भाई अभी हम लोग फोटोग्राफी कर रहे थे अपनी गाड़ी के साथ, यहाँ पे फैंस आ गए और कह रहे भैया गाड़ी से फोटो खींच ले। मैं खींच लो भाई, तो इन्हें बढ़िया फोटो वीडियो बनाई अभी। चलो आपकी बढ़िया एक वीडियो बनाता हूँ। सिब्बू गिरी बोर हो गई, वीडियो बना बना के वहाँ बैठ गई जाके। गाइस अभी मैं और सिब्बू पोर्शे लेके जा रहे हैं मेरे घर पे, और इससे क्या है ना, ये चेक हो जाएगा कि भाई जो मेरी टू सीटर कन्वर्टेबल गाड़ी आएगी, क्या वो मेरे गांव में मेरे घर तक जा सकती है। पोर्शे से थोड़ा आइडिया लग जाएगा मेरे को, क्योंकि मेरी वाली गाड़ी ना थोड़ी सी इससे नीची है, उसका ग्राउंड क्लीयरेंस पोर्शे से भी थोड़ा सा नीचा है। तो ये वाली गाड़ी अगर मेरे घर पहुंच गई तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि उसके भी चांस है मेरे घर पहुंचने के। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लेंगे आज हम, मेरे गांव के रोडों पे ये चल जाएगी या नहीं, और मेरे घर तक ये गाड़ी चली जाएगी या नहीं। तो भाई ये देखो, पोर्शे बॉक्सटर लेके मैं आ गया हूँ भाई अपने गांव के अंदर, और अभी तक तो सिब्बू कोई दिक्कत आई नहीं है, मजे से आए आराम से। हाँ। अभी रुको, शीशा खोल के दिखाता हूँ, इस तरफ खेती खेत है भाई। ये देखो भाई, इस तरफ खेती खेत है, माना गांव है पर इतना पिछड़ा थोड़ी है कि रोड बिना बनी रहे, रोड मोड सब सही है। हाँ, नाम नाम का ही गांव है बस। हाँ। सारी सुविधा भाई हमारे गांव में। तो भाई पोर्शे बॉक्सटर लेके घर आ गए हैं, पूरा सामने घर का गेट, और अभी घर पे फोन करके बोला जल्दी आ जाओ, अब देखते हैं रिएक्शन कैसे रहेंगे कि ये सुपर कार ले आया घर पे। आर यू एक्साइटेड सिब्बू देखने के लिए? अरे मैं क्या एक्साइटेड यार, यार अच्छा लगता है, बैठी हूं एक्साइटेड घर वालों के रिएक्शन देखने के लिए। मुझे लगा गाड़ी देखने के लिए एक्साइटेड कह रहे हो। नहीं नहीं, मैंने स्पेशली चीनू को फोन करके बोला मम्मी पापा दोनों को उठा दे। सो गए क्या? यार एक बजे हुए हैं, सोए गए होंगे। चीनू तो स्कूल का काम कर रही थी ना, वो जगी हुई थी। तो गाइज देखते हैं क्या रिएक्शन होंगे। अभी गेट खुल रहा है, गेट खुल रहा है गाइज, वो रही चीनू, अभी चलते हैं अंदर। सो गाइज हम घर पर आ गए हैं पोर्शे लेकर। ये देखो भाई, पोर्शे बॉक्सटर लेके हम आ गए अपने घर पे। चीनू मैंने बोला था मम्मी पापा को उठाइए, तूने उठाया नहीं? कहाँ है मम्मी पापा? अंदर है, उनको एक्साइटमेंट नहीं है कार की। बोला था कि भैया अंदर आएगा। अच्छा तूने गाड़ी का बताया था मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ? नहीं बताया। अच्छा जब भी नहीं आए। एक जना तो यहाँ खड़े हो जाओ यार, गाड़ी की छत खोल रखी है मैंने, गाड़ी का ध्यान रखो, मैं मम्मी पापा को लेके आ रहा हूँ। चलो गाइस अंदर चलते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं आ जाओ। पापा जी नमस्ते। मम्मी जी नमस्ते। अरे मम्मी उठ जाओ। चलो एक बढ़िया चीज लाया हूँ बाहर, आओ देखो। आप सोए नहीं थे? इंस्टा कह रहे हो मम्मी? इंस्टा? हाँ इंस्टा है, पीले कलर का इंस्टा है। बढ़िया चीज है,
आ जाओ दिखाऊं। क्या है? देखो आओ। वो तो रिएक्शन लाइव ही रिकॉर्ड होना चाहिए ना। हाँ हाँ रुको रुको मेरे को आगे आने दो आगे आने दो। आ जाओ। नींद खराब कर दी। ऐसा ही है तुम्हारा छोरा देखो। ऐसा मैं बिगड़ेल। गाइस। गाड़ी कैरी में आई। कैसी है? कौन सी है? पहले बताओ कौन सी है? नहीं पता। आप बताओ कौन सी है? BMW नहीं है। BMW का तो लोगो अलग होता है, बताओ कौन सी है। चलो बता रही चीनू, देख रही चीटर। अब तो आपको पता लग गया, आप बताओ। पता नहीं। वैसे ना आजकल के बालकों को पता है गाड़ी के बारे में एक एक चीज। ठीक है, आज के बाद मैं भी ना ध्यान किया करूंगी कौन कौन सी गाड़ी चली हुई है। हाँ, ये है पोर्शे बॉक्सटर। और ये मैंने वहाँ देखी भी थी। कहाँ पे? किशन कार पे। रेड में थी इसीलिए कंफ्यूज हो गए, तो इनके नाम नहीं पता। मैं इसको एक्चुअली इसलिए लेके आया हूँ, मैं इसको हाँ हाँ तेरे को बिठाऊंगा भाई। सुंदरी मुंदरी नाम रख दिया चीनू ने इनका। क्या रोटी नहीं खाते? हाँ। दूध पीते हैं बस। अच्छा सिर्फ दूध पीते हो? जब थोड़े से पता है मैं क्यों लाया हूँ, मैं इसलिए लाया हूँ कि गांव में चल के घर तक आ जाएगी। तो फाइनली गाड़ी बिना किसी दिक्कत के ये वाली गांव में आ गई, तो जो अपनी सुपर कार होगी ना वो भी आई जाएगी। ये आ गई तो, हालांकि वो इससे थोड़ी और नीची है, इससे भी नीची है वो। हाँ एक कमेंट आई थी, आपके पापा की फेवरेट कार कौन सी है, बताओ कौन सी है। मेरी सारी फेवरेट है। सारी लिया। जिसमें तू घुमा दे वही फेवरेट है, बिठा दे वही फेवरेट। फिर भी कोई ऐसे स्पेशल की? मेरे को तो वही पसंद है, कोई स्पेशल सा फेवरेट है। नहीं जैसे लोग बोलते नहीं है कि भाई मेरी थार है, मेरी फॉर्च्यूनर है, मेरी अल्टो है, ऐसे कुछ नहीं है। जो मैं ले लूँ वो फेवरेट है, सब फेवरेट है मेरी। लो भाई फिर पापा के कोई भी फेवरेट नहीं है, सारी फेवरेट है। हाँ मम्मी की फॉर्च्यूनर है फेवरेट। आपकी फॉर्च्यूनर है फेवरेट, दोनों की होगी ना, मम्मी बेटी की दोनों की होगी फेवरेट। कोई नहीं फॉर्च्यूनर ले लूंगा। और बताओ रेंज रोवर? फिर नहीं पता नहीं। रोल्स रॉयस? अपने गांव में ना बड़े हुआ गाड़ी बढ़ जाएगी, ऊंची भी आती है, देखते हैं। फिर चोरी भी तो है वाह, कट्टा को नहीं इन गलिया में वाह। चलो क्या इससे भी बात कर ले, क्या पूछ रहा है? घुमा के लाऊं एक एक करके। एक एक हो जाएगा भाई, दो बैठेंगे एक एक करके जाना पड़ेगा। फोर नहीं है टू है, एक यहाँ बैठेगा एक यहाँ बैठेगा। तो चलो ये बताओ पहले कौन जा रहा है मेरे साथ? पहले हम डिसाइड करते हैं, वो करना पड़ेगा टॉस। पोसंपा भाई पोसंपा, चल तू नीचे से निकल लाल किले में, क्या पर तू फंसेगी, हट तू ही जाएगी फिर, तो तू नहीं जाएगी हट। चल तू ऐसा कर, इन्हीं को बिठा दे पापा जी को। हाँ मैं तो बहुत बार बैठी हूँ। मम्मी तो फ्यूजन कार भी गई है। हाँ। तो आपने ले ली टेस्ट ड्राइव, पापा जी ने नहीं ले ली अभी, तो चलो आप बैठो, आपको घुमा के लाओ। वो भी बात है ना, या तो इकट्ठे बैठे अलग अलग में हमें अजीब लगता है अब। अच्छा या तो चलानी सीखे। हाँ ये हमें चलानी सीख लो ना आप, स्पोर्ट्स कार चलाने सीखे तो सभी सीख जाएंगे, तो स्पोर्ट के अलग। नहीं आप सीधी ये वाली चलानी सीखना, वे छोटी गाड़ी चलाना ही मत ना, सीधी स्पोर्ट्स कार चलानी सीखो। ठीक है चलो। तो मेरी सुन, मैं सीधा बैठूंगी उस गाड़ी में, जो भी सरप्राइज है हमें भी नहीं पता कौन सी है। जो अपनी गाड़ी आएगी आप उसमें बैठोगे सीधा? जो नई आएगी अभी आने वाले ना हफ्ते 10 दिन में अपनी, मैं उसमें बैठूंगी अब सीधा, लेकिन उसमें मैं बैठूंगी पहली बार। ठीक है चीनू, चीनू वीडियो बनाएगी हमारी मस्त मस्त, मेरी और मम्मी की और मेरी गाड़ी की। चीनू अच्छी बनाती है, चीनू डीओपी। चलो चलो आप बैठो, चाबी देखो इसकी, गाड़ी जैसी चाबी है, चाबी देखो गाड़ी जैसी है। हाँ चलो भाई पापा बैठ गए बॉक्सटर के अंदर। कैसी लगी? कुछ जमीन पे बैठ गया ऐसा? चलो भाई लेट्स गो, तुम चाय वाय पियो, आता हूँ। मेरे को नहीं आती चाय बनानी, चीनू बनाएगी। सब कुछ अरे मैं बनाता नहीं हूँ, पर सही है सिब्बू ने यार दिलवाया, चाहे तू बनाएगा। चलो आके बनाऊंगा, तू बनाएगा आके बनाऊंगा घर पे। चले चलो भैया, उस दिन भी मेरे साथ गद्दारी हुई थी, मैं और दीदी बैठे थे। कौन सी गद्दारी होगी? मैं और दीदी बैठे थे अकेले में, तो मेरे को पता ही नहीं चला क्या फील है इस गाड़ी की। तो ये तो मैं ऐसे ही लाया हूँ ना, जब अपनी गाड़ी आएगी तब घुमाऊंगा तेरे को अकेले भी गद्दारी को। रुपए तीन चार तो बुक नहीं कर रखे, कभी झूठ झाठ बोलता हो, कभी ये ला रहा है वो ला रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारी गाड़ी ले लूंगा मैं दुनिया की। मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कई दिन से, मुझे पता नहीं क्या चक्कर है। गांव में आके गाड़ी लेके कैसा फील आ रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया है ना,
हमारे गांव में फर्स्ट टाइम आई होगी ऐसी कोई गाड़ी? पहली बार ही आई है। तो गाइस अभी गांव से थोड़ा सा बाहर निकाल के और फिर बढ़िया इसको थोड़ा भगाते हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है? देखो भाई खेतों में आ गए हैं अपने गांव के और ये थोड़ी सी यहाँ पे साफ रोड है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ अलग फीलिंग है ना। वैसे एक बार बताऊं, जब अपनी वाली गाड़ी आएगी ना उसकी गारंटीड और ज्यादा मजा आएगा उसमें बैठ के। Porsche Boxster in the house। और ये ऐसी गाड़ियां होती है स्पोर्ट्स की, एक तो बहुत तेज भागती हैं। जैसे ये अभी तो कहीं भगाऊं, यहाँ गांव में तो खैर इतने खास रोड है नहीं, पर जैसे कभी बाहर चलाएंगे ना तब पता लगेगा असली फीलिंग इसकी। पर अभी तो नॉर्मल एक ड्राइव मिल जाएगी बस। यहाँ से बैक कर लो, आगे से घुमा लूंगा, उस गली में कट जाएगी वहां से चौक पे से, यहीं से लूं। चलो यहीं से घर वापिस चलते हैं गाइस। तो चलो गाइस अभी चाय वाय पी लिए घर पे, हालांकि मैंने नहीं बनाई, चीनू ने ही बनाई चाय। तो अभी हम वापिस जा रहे हैं गुड़गांव। बाय गाइस, बाय मम्मी जी, बाय। चाय कैसी लगी? चाय अच्छी थी भाई, मैं घर पे आया था तो फिर चाय मेरे को पिलानी चाहिए ना इन लोग को बना के। हाँ तुम मेरे उड़े गुड़गांव आई हो शूट पे, फिर मैं बना के पिलाऊंगा तुझे। चलो बाय बाय, चलो चला जा तू, चलते हम। तो भाई लोग घर से निकल गए हैं, आज पापा को घुमाया Porsche Boxster में और मम्मी बोली कि बेटा जब तेरी खुद की गाड़ी आएगी ना घर पे, अब तो मैं सीधा तभी घूमूंगी, मैं नहीं जा रही Porsche में घूमने, पापा को घुमा दे। क्योंकि पापा को मैंने अभी तक किसी भी गाड़ी में घुमाया नहीं था, क्योंकि वो ये अभी तक हम जब भी जाते थे शोरूम तो पापा अवेलेबल नहीं होते थे। तो आज फाइनली पापा को भी टू सीटर के अंदर घुमा दिया गाइस। और अभी मैं और सिब्बू जा रहे हैं वापस गुड़गांव, जाके बहुत सारा काम करना है। कितना टाइम हो रहा है सिब्बू, फोन में देख के बता। वो भी बोल दो। और सिब्बू के मेन चैनल पर आज गाइस वीडियो भी आ जाएगी, आई थिंक 2 या 3 बजे के अराउंड डाल देंगे हम वीडियो। क्या टाइम हो गया? 3 बजे। देख लो गाइस 3 बजे हुए हैं, फिर आप सोचो ना कि भाई 3 बजे जाके सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी जाके व्लॉग एडिट करना है, फिर जाके मेन चैनल की वीडियो एडिट करनी है। सुबह के 7 या 8 बज जाएंगे हमें सोते सोते, या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए। तो गाइस Porsche Boxster लेके अभी हम आ गए हैं नजफगढ़। ये सामने है नजफगढ़ का फेमस कृष्ण मंदिर और सामने है मार्केट। ये देखो ये है श्री कृष्ण मंदिर द्वार और ये नजफगढ़ का फेमस कृष्णा मंदिर। कौन कौन नजफगढ़ से देख रहा है जल्दी से कमेंट कर देना और बता देना अपने आस पड़ोस में भाई Porsche Boxster गई थी नजफगढ़ में से। जय श्री कृष्ण द्वार। गाइस बहुत अच्छी फीलिंग है और सबसे बेस्ट फीलिंग ये है कि भाई घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका लोंडा आज ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लेके अपने माँ बाप को घुमा रहा है। और मेरे माँ बाप उस दिन और ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब मैं डिलीवरी लेऊंगा अपनी खुद की सुपर कार की, और बहुत जल्दी आपको वो सीन देखने को मिल जाएगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा गाइज उस दिन। बस ये सब आप लोगों का प्यार है और मेरी मेहनत है गाइज, बस। आई लव यू गाइज, आई लव यू, आई लव यू ऑल। लो भाई अब ये Porsche लेके हम गुड़गांव में भी एंट्री मारने वाले हैं। वो सामने इतनी लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, वो है भाई एम्बियंस मॉल। अभी तो घर जाके भाई इनके रिएक्शन देखेंगे पहले सबके कैसे हैं। तो भाई अभी तक तो पीछे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी तो गाड़ी बंद कर ली थी, अब टाइम आ गया है इसको खोलने का। अब देखो ऑटोमेटिक लाइटिंग आ गई ना बाहर की, वैसे यहाँ भी थोड़ा अंधेरा है, पर अभी छत खोल लिया गाइस गाड़ी की और अभी घर तक हम जाएंगे छत खोल के, क्योंकि गुड़गांव के रोड आपको पता है वेरी नाइस रोड्स। बैक से बना लेते ना फ्लैश चला के। ना ना ठीक है, फ्रंट से भी बननी चाहिए वीडियो। दिल्ली के रोड थोड़े घटिया हैं गाइस एज कम्पेरेटिवली टू गुड़गांव, लेकिन अभी हम ऐसे जाएंगे घर पे। और घर के नीचे पहुंचते ही विनय भी आ गया वापस, विनय को फोन मारूंगा और बोलूंगा भाई विद फैमिली आ जाओ जल्दी नीचे। हाँ मगर इंस्टा को मत लाइए वरना इंस्टा इतने पंजे मार देगा गाड़ी पे, इतने पंजे मार देगा। हाँ तू ऊपर चली जाइयो और इंस्टा को नीचे मत आने दियो वरना Porsche पे इतने पंजे मारेगा, इतने पंजे मारेगा ऊपर जाके। फिर अपने पे तो यार झेल लेंगे, गाड़ी का नुकसान यू नो थोड़ा सा बुरा लगता है यार, ऐसे करोड़ों की गाड़ी पे लगे ना जब धक्का लगता है दिल पे। कोई नहीं एक बार अपनी ले आओ गाड़ी, जब अपनी गाड़ी आएगी ना गाइस तो इंस्टा को स्पेशल राइड पे लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और भाई हमारी गाड़ी 2 सीटर है तो एक साइड तो मैं ड्राइव करूंगा और इंस्टा अपना साइड में बैठेगा, तो मैं और इंस्टा अपनी 2 सीटर में ड्राइव पे जरूर लेके जाऊंगा मैं इंस्टा को जब हमारी गाड़ी आ जाएगी। अच्छा मैं कहां गई? तू भी चलेगी ना, पर इंस्टा को एक स्पेशल राइड तो मैं दूंगा भाई। इंस्टा जान अपनी भाई, चीता है अपना इंस्टा, चीता इंस्टा जान है मेरी, मैं ड्राइव करूंगी मेरे बगल में बैठेगा। अरे कोई भी ड्राइव करे यार इंस्टा को मजा आने चाहिए, इंस्टा चीता है अपना भाई। तो भाई ये अपनी गुड़गांव की फेमस रोड DLF वाली। तो गाइस अभी हमने शिफ्ट कर लिया थोड़ा सा और अभी मैं दे रहा हूँ सिब्बू को Porsche Boxster चलाने के लिए। इतनी फास्ट चला के तुमने मुझे पूरा
बना दिया। कह रही इतनी फास्ट चला के मेरा पूरा भूत बना दिया, अब बदला मत लियो मेरे से। कभी बोले कि मैंने तेज चलाई है तो तू भी तेज चला के मेरे से बदला ले। यार ये अपनी एक्सेसरीज हटा ले गाइस। यार ये कहाँ फेंकूं, तू कहाँ फेंकूं, मेरी दिक्कत तो है। डाल दो पीछे। कोई ना एडजस्ट करते हैं, चला लेगी ना सिबू अच्छे से। ट्राई करते हैं, पहले तो तुम सीट आगे करना बताओ मुझे। सीट आगे करता हूँ, रुक। चले सिबू रेडी, चलाओ बॉक्सटर। यार पहले कैमरा थोड़ा सा दूर रखो। हाँ बता क्या हो गया। अब मेरा चलाने का तो बहुत मन है, मन कर रहा है चलाऊं भी और घर तक ले जाऊं और सब देख के मेरे को शौक लो कि मतलब विक्की विक्की कह रहे दीदी चला के लाई है। बट मतलब मन में ये भी है ना, जब तू लेकर आए जिस दिन और तेरी डिलीवरी हो उस दिन मैं चलाऊं और फिर एक टैग लग जाए कि भाई रचित ने ली थी, तब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम पोर्शे चलाया। मतलब पोर्शे नहीं, जो भी लेने वाला है गलती से निकल गया, लोग हाईलाइट कर देंगे अभी पोर्शे लेने वाला है। मतलब जो तू सुपर कार लेने वाला है मैं वो चलाऊं। और मैं ही चला के लेके जाऊंगा फिर, अगर सिब्बू की डिमांड है की पहली सुपर कार वो मेरी चलाए तो ये भी सही भाई, मैं अपनी गाड़ी चलवाऊंगा। यार ये लड़कियों वाली हरकतें नहीं छोड़ेगी क्या तू, देखना ऐसी शिफ्ट होगी यहाँ से उठ के वहाँ। देव ओ महादेव तेरा नाम सदा लिया जाएगा, कैलाश में राज करे मेरे भोले बाबा जी, तुझसे ही सब आरंभ हुआ तुझ पे ही अंत हो जाएगा, तेरे जटा में गंगा वास करे मेरे भोले बाबा जी। तो गाइस अभी फोन कराया विनय को, बिग बॉस नाम से सेव कर रखा है सिब्बू ने, मतलब हेलो। हाँ गुड़गांव आ गया ना, आजा नीचे, आजा विद फैमिली। हाँ इंस्टा को मत लाइयो बस, मैं जा रही हूँ ऊपर इंस्टा के लिए। आजा नीचे विद फैमिली। तो भाई अभी भी ना आ रहा है नीचे विद फैमिली, एंड लेट्स सी उनके एक्सप्रेशंस क्या होंगे। आ गए क्या ये, आ गए ये, आ गया भाई विनय विद फैमिली। ओ भाई विनय क्या हाल है। ओ पीली पीली। अच्छा तुम दो ही लोग हो क्या आज। अच्छा बल्लू तो घर गया। हाँ बल्लू नहीं है, हम दो ही थे। अच्छा नाइस कार मैन, कैसा लगा मिकी माउस। मैं तो पिछले 5 घंटों से वेट कर रहा हूँ इस गाड़ी का। अच्छा काम भी कर रहा था, बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। नया वेट कर रहा था बस। वीडियो तो हो भी गई मेरी। हाँ बहुत थोड़ी सी रह गई बस। फिर कैसे होगी जब रह गई तो। बहुत थोड़ी सी रह गई हो तो। चल सिबू तू ऊपर जा, तुम दोनों बैठ जाओ। फिर मेरे को जाने दो, फोन पकड़ो। अभी बैठेंगे ना, अभी बैठ जाएंगे ना। मैंने उसका व्लॉग देखा था, मैं हो जाऊंगा रितेश। अरे सौरव जोशी का व्लॉग देखा था, फिर पीयूष को यहाँ फंसा रखा था उसने बीच में। नहीं कुनाल होगा, वो कुनाल होगा यहाँ पे छोटे वाला। हाँ मतलब जो ये भी तो ऐसा ही है, पतला सा आ जाएगा। तो बहुत छोटा बच्चा है। आजा तू भी फंसेगा, तू आ जा। आजा बैठो भाई। चल सिब्बू तू ऊपर जा। मैं ऊपर जा रही हूँ, ये करेंगे फुकरेबाजी यहाँ पे, ठीक है। हम तो फुकरे हैं भाई। आजा भाई रे फुकरे। चीते आ जल्दी हटो भाई। चीतो बैठने तो जादू। मैं जा रही हूँ। अबे तू कैसे आएगा। नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाएगा। अरे ठीक है ना, मेरी गोद में बैठ जाइयो। हाँ इसकी गोदी में बैठ जा। बाय सिब्बू बाय। इंस्टा को मेरा हाय बोलना। क्या हो गया। अबे हाथ लपट गया। बोलूंगी इनसे वो कुछ खुद आके उसको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। ओके जी। पीछे जाएगी, पीछे लेके जाना सीट को। अरे वहाँ से वो ऐसे ऐसे हैंडल है, इसको पीछे करने का वो कर। जो तूने लिया उसमें तो नहीं है, उसमें वो है ऑटोमेटिक पीछे सीट करने वाले, इस साइड भी और उस साइड भी। आ जा भाई। आ गया। ये देखो भाई जस्ट इंडियन थिंग्स। हाँ 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 भाई चले। चलो भाई चलो भाई, मेरे तो हड्डियां चुभ रही है इसकी यार। टेस्ट हो गया भाई। तो गाइस अभी लगाते हैं स्पोर्ट्स मोड। ओ स्पोर्ट्स प्लस वीडियो गेम है। गए स्पोर्ट्स प्लस जीटीए में आ गए हम। ओ भाई हड्डी चुभ गई क्या। हाँ इसकी पिछवाड़ेगी। अरे भाई एंजॉय करो ना। एंजॉय करते रहो तेरे हड्डियों के साथ। गाइस एंजॉय हो रहा है फुल। रॉन्ग साइड चला रहे हम क्योंकि उस वाले रोड पे खड्डे हैं भाई। तो गाइस घर वापस आ गए और देखो भाई 4:40 हो गए सुबह की। घर आके भाई थोड़ा मुंह धोया, फ्रेश हो गया थोड़ा सा, और अभी व्लॉग एडिट करना है। बहुत गंदी नींद आ रखी है, फिर नींद सोना नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद देखो पीछे उस वाले कंप्यूटर में चल रही है मेन चैनल की वीडियो एडिट, वो एडिट करनी है। सिब्बू की भी अपनी भी। अरे यार बहुत गंदी थकावट है, बहुत गंदी नींद आ रही है, बट नहीं सो सकते यार। पूरे दिन पोस्टर बॉक्सटर में मौज मार ली, अब यहाँ पे आके काम करना पड़ता है। काम करेंगे इसलिए तो भाई मौज मार पाएंगे गाड़ियों में। कोई नहीं भाई अभी करेंगे काम सुबह तक। चलो भाई अभी इस व्लॉग को ये एंड कर रहा हूँ, ठीक है समझो।
और लंबा नहीं खींच सकता मैं, बहुत थक चुका हूँ, काम बहुत करना है। बाकी कल मिलते हैं 11 बजे नए ब्लॉग के साथ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और जल्दी से मेरे ब्लॉग चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ यार। और जल्दी अपनी सुपरकार आने वाली है, ठीक है ना, डेली बोलता हूँ, अच्छा लगता है बोलने में क्योंकि मजा आता है भाई, जब गाड़ी आएगी तो और मजा आएगा। चलो चीतो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम। गड्डियां उच्चियां रखियां, मारा वो जट दे पिछियां, पर तू मैनू गाली जाची दी।